subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारत में चल रहे सेवा सप्ताह को लेकर नवी मुंबई बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष नितिन कंधारी के माध्यम से वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल के निर्देश के अनुसार 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह को घोषित किया गया था। इसी को लेकर नेरुल आदिवासी पाड़ा व करजत के ग्रामीण क्षेत्र में नवी मुंबई बीजेपी जिला उपाध्यक्ष नितिन कंधारी के माध्यम से सेवा सप्ताह के अवसर पर मास्क बिरयानी बिस्कुट वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य तौर पर शामिल रही ऑड्री मोरासेस, संजय भावरिया, संदीप अग्रवाल, हरेश पटेल व अन्य उपस्थित ग्रामीणों को कोरोना के बारे में जानकारी दी। इस संकट की घड़ी में क्या करें। हमारे यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के बर्थडे के उपलक्ष्य में हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने हमें कहा था कि 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हमें सेवा सप्ताह मनाना है। हमने इससे पहले भी मास्क बांटे, खाने पीने का सामान बांटा, लेकिन कल ही मुझे ध्यान में आया कि कोई आदिवासी एरिया में जाके ये वाटअप क्यों नहीं करे। तो आज हम करजत एरिया में वर्णे गांव में आए हैं, आदिवासी पाड़ा है, गरीब बच्चे गरीब लोग हैं यहाँ पे। वहाँ पे आके हमने देखा कि लोग मास्क भी नहीं वापर रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। उन सबको बिठा के समझाया कि आपको पहले तो घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, और घर के बाहर अगर आप निकलेंगे तो आपको मास्क पहनना चाहिए। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप रुमाल पहन के निकलिए, लेकिन ऐसे मत निकलिए। और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 2 गज की दूरी मेंटेन करके रहिए। ये सब उनको समझाते हुए, उन सबको मास्क बांटते हुए हमारे नेरुल के स्वामीनारायण मंदिर के ट्रस्टी आए थे, लोग आए थे, वो भी वाटअप करने के लिए आए थे, और मुझे बड़ा आनंद हुआ ये सेवा सप्ताह में भाग लेते हुए। सब लोगों के साथ हमारे बीजेपी के सारे कार्यकर्ता साथ में थे। वी आर इन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस सराउंडिंग्स near Karjat Kalwarle. I've been into BJP and social service for many years, and doing something for the poor and the downtrodden is truly encouraging. Thank you Nitin sir for inviting us here. It was a very good experience for us and we would want to do more work like this. Thank you. Aaj roj apna Bharat na vada pradhan Shri Narendra Bhai Modi na 70મા જન્મદિવસ નિમિત્તે વરને ગાંવ કરજતમાં માસ્ક અને બિસ્કિટ અને બિરયાની વાટપનો પ્રોગ્રામ કર્યો, એમાં સહયોગી નીતિનભાઈ કાંધારી જિલ્લા ઉપાધ્યક્ષ નવી મુંબઈ તથા સંદીપ અગ્રવાલજી, સંજય ઓડ્રી મેમ બધાને સાથે મળીને માસ્કનું વાટપ કર્યું અને એમને માર્ગદર્શન આપ્યું કે આ કોરોના કાળમાં આપણે જીવવા માટે 2 ગજની દૂરી જરૂરી છે, એવી જ રીતે માસ્ક જરૂરી છે। 2020 આપણે માસ્ક અને 2 ગજની દૂરી રાખી અને જીવી ગયા તો એ બધાથી મોટો ઉદ્દેશ હશે। આજ વરને આદિવાસી વાડીમાંથી શ્રીયુત નીતિન કંધારે, જિલ્લા ઉપાધ્યક્ષ નવી મુંબઈ હરીશ પટેલ અને ત્યાંચા સર્વ સહકાર્યાની આદિવાસી વાડીતીલ મુલાના गरजूंना खाऊ वाटप आणि अतिशय मोलाचं अत्यावश्यक असणारे मास्कचं वाटप इथं सर्वांना केलं, सर्व समाजांना मदतीचं वाटप केलं, त्याचबरोबर मोलाचं मार्गदर्शनही केलं। त्याबद्दल मी खंदारे साहेब, हरीश पटेल आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मनापासून आभार मानत आहे। आज रोज करजत तालुका वर्णे गाव खाते જિલ્લા ઉપાધ્યક્ષ નીતિનભાઈ તથા ભાજપના અન્ય કાર્યકર સાથે અને SMVS સ્વર્ણ મંદિર વાસણા નેહરુલ સંસ્થા તરફથી અહીંયા ગામની અંદર ફૂડ પેકેટ અને માસ્ક વિતરણ કરવામાં આવ્યું, અને SMVS સ્વર્ણ મંદિર વાસણા સંસ્થા તરફથી માનનીય વડાપ્રધાનને ખૂબ ખૂબ બધાઈ કરવામાં આવે છે એમના જન્મદિન નિમિત્તે। એટલે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી સાહેબ યાંચ્યા વાઢદિવસા નિમિત્તાને સેવા સપ્તાહચે આયોજન કરણ્યાચે ठरले आहे। त्याप्रमाणे सन्माननीय नितिनजी कंधारी साहेब उपाध्यक्ष नवी मुंबई जिल्हा भारतीय जनता पार्टी यांच्या माध्यमातून आज आपण कर्जत तालुक्यातील वेरले या गावी आज लहान मुलांना आणि मोठ्यांना मास्कचे वाटप करून आणि खाऊचे वाटप करून नरेंद्र मोदीजींचा वाढदिवस सेवा सप्ताहामध्ये आयोजित करून आज आपण केला आहे। या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून
आज ग्रामीण भागामध्ये जे वाटप करण्याचे ठरले होते त्याप्रमाणे आम्ही इथे आलो आणि ते इथला जो परिसर पाहून खूप म्हणजे खूपच एक आनंद वाटत आहे की सेवा सप्ताह कसा आयोजित करावा। आज नितीनजी कंधारेजी यांच्या सुप्त उपक्रमाने आणि त्यांच्या सुप्त डोक्यातून जी कल्पना निघते त्यातून एक खूपच म्हणजे शिकण्यासारखं आहे। और सब लोगों से निवेदन है कि ऐसे लोगों तक पहुंचिए जो लोग को ये चीज़ें नहीं मिल रही, जिनको ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने पिछले 6 साल में इतने कार्य किए हैं जो पिछले 70 साल में नहीं हुए, उनकी लंबी उम्र की हम प्रार्थना करते हैं भगवान जी से, और आने वाले 4 साल वो और अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करते रहे और हिंदुस्तान को एक नवी ऊंचाइयों की तरफ ले जाए, यही प्रार्थना रखते हुए जय हिंद जय महाराष्ट्र। आवाज टुडे पंकज बिनोसी की रिपोर्ट, नवी मुंबई। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।